को देख करके वी विल दे लाइक वी आर स्पीड, बट खैर यहीं पर एसके रॉसी पहला कुछ निकालने की वन टैप गॉड को पिक किया गया था रेलिक साथ के साथ एसके रॉ बाय करके थोड़ी बहुत बुलेट्स बैठे हुए हैं इनकी एबिलिटी के अंदर, लेकिन यहीं पर एक प्लेयर को स्पॉट करेंगे, मिसेस एवरी शॉट बट देन ही टीपीज एंड वही यहां पर करना सही डिसीजन था, बट बोन्स को भी टेक डाउन किया जाएगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इस समय बहुत अच्छा पॉप ऑफ अपने हिसाब से करते नजर आ रहा है। इजी मैच भी, इजी मैप भी डेफिनेटली वो लोग अपना बना सकते हैं। इजी पिक्स यहां पर निकाले जा रहे हैं और उसी के साथ पहला राउंड ग्लोबली स्पोर्ट्स बी मेन के बाहर, जो बी लॉन्ग रहता है उसके बाहर अभी के लिए मूव करते नजर आ रहे थे। साथ के साथ एक पिक लेकर के टीपी किया गया बोन्स के द्वारा, काफी अच्छा रिएक्शन टाइमिंग इस जगह पर निकालते हुए, लेकिन अब हेल रेंजर को फाइट लेनी पड़ेगी। उनको पता है उनके इमीडिएट राइट में कोई ना कोई तो है जो उनको दिक्कत देगा, बट नाउ कम्स द टाइम ही टेक्स वन फ्रैगमेंट का डैमेज, उनको हल्का फुल्का पड़ा जरूर था 4v3 सिचुएशन के अंदर। ग्लोबली स्पोर्ट्स अभी के लिए और ट्रू रिपर्स भी दूसरी तरफ साथ के साथ कमिट किया गया है, जो कि एक अच्छा कमिटमेंट मैं बोलूंगा अभी के लिए बन रहा है। हालांकि थोड़ा जल्दी है तीसरे राउंड में, लेकिन व्हाटएवर इट टेक्स दे विल जस्ट नो वांट टू गो फॉर इट। और हेल रेंजर एक और पिक निकालते हुए, इट्स अ 3v2 सिचुएशन जिसके अंदर डिफेंड बैठा जरूर होगा और वही आपको पिक करेगा। मास्टर अपना दूसरा पिक निकाल करके नंबर्स इवन करते नजर आ रहा है, लेकिन अब इस वाइपर स्पिट के अंदर जाना मास्टर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। हेल रेंजर विद अ 3k लाइटनिंग फास्ट, द वाइपर ऊपर चढ़ के बैठे, जंप करना चाहते हैं लेकिन वो जंप नहीं हो पाया। हालांकि हेल रेंजर विद अ 4 तैयार वहां पर शो स्टॉपर लेकर के रॉसी अंदर घुसते हुए, लेकिन उनको पनिश किया जाएगा रेलिक के द्वारा और एक और प्लेयर, इनफैक्ट 3 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं ऑलरेडी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के। Did never anticipated this. Yeah, I mean, a short wala jo push tha with Rossi and the lads, unke upar aa chuka tha aur wo push fail hone ke baad aakhri do players, aakhri do diggaj global esports ke Hellranger aur Kappa yahan pe bache clutch karne ki koshish, but team pure map pe faili hui hai. Finally Hooker ki taraf se yahan se push karna start karte hain initial duel mein skill side ke andar commit karna, aise mein एक और पिक अगर यहां पर आ जाए तो क्या ही बात रहती है। हालांकि रेलिक एक पिक डेफिनेटली निकाल और ए साइड की तरफ को लगाई जा रही है, क्योंकि ये कॉल आउट जरूर आओ कि ए साइड खाली हो सकती है, लेकिन वहीं पर पैराडॉक्स सरवाइव कर रहे थे, अपना अल्टीमेट जरूर उन्होंने यहां पर डाला और कॉस्मिक डिवाइड साथ के साथ करी गई है, काफी अच्छे डिसीजन मेकिंग। एक फिर और पिक यहां पर पैराडॉक्स करेंगे, पैराडॉक्स जस्ट मेकिंग अप द गेम फॉर हिमसेल्फ। हालांकि उनको डाउन किया गया है, लाइटनिंग पास को ये स्पाइक ए प्लांट करनी जरूर पड़ेगी, इज जस्ट गोइंग फॉर द प्लांट, दिस इज अ वेरी वेरी हाई पास डेफिनेटली नोस की, जब रिवाइवल आएगा मतलब प्लेयर बिल्कुल सामने आ चुके। एक और पिक यहां पर निकालते हुए लाइटनिंग पास नजर आएंगे, लोकेशन इज स्पॉटेड, ही डजंट केयर और डज ही राइट नाउ, उनको पता है उनके बिल्कुल सामने प्लेयर रहेंगे। मास्टर डिफ्यूज पर जा रहे हैं, बट क्या ये मास्टर स्ट्रोक खेल पाएंगे या फिर लाइटनिंग पास फास्ट रहेंगे? नो, ही प्लेज अ मास्टर स्ट्रोक, ही गोस फॉर इट, लुक एट हिज एक्सप्रेशंस, ही डेफिनेटली कुड नॉट, ये डेफिनेटली यहां पर करी जा रही है। एक और कॉस्मिक डिवाइड इस बार के लिए किया गया, लेकिन वन टैप गॉड रॉसी को पिक करते नजर आएंगे। सारे प्लेयर्स की लोकेशन यहां पर निकाली गई थी, लेकिन दिक्कत है यहीं पर आएंगे कि बोन्स एक पिक करेंगे, खुद टीपी करके पीछे जाते हुए नजर आ रहा है। लाइटिंग पास यू ऑल के अराउंड नजर जरूर आ रहे हैं, फाइट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्मिक डिवाइड के अराउंड इनको खेलना पड़ेगा। बिल्कुल साइड में प्लेयर को स्पॉट करेंगे और एक अच्छा पिक कैसे में जाता हुआ, इट्स डाउन टू अ 3v3 सिचुएशन, बट देन अगेन वाइपर स्पिट भी कमिटमेंट यहां पर दी गई है, क्योंकि प्लांट करना इंपॉर्टेंट, शो स्टॉपर उसके अंदर वन टैप गॉड डालना चाहते जरूर थे। कैन ही जस्ट पिक द प्लेयर डाउन, उनके बिल्कुल सामने यहां पर प्लेयर रहेंगे, बट रेलिक वुड बी क्विक एनफ टू टेक हिम डाउन। और अब अगला पिक अगर हुआ तो शायद वाइपर अगले पिक हो सकते हैं। यस, जस्ट गेट आउट ऑफ द प्लेस, मास्टर वाज यहां पे पैर डगमगाते हुए, नो, ही इज रेडी फॉर दिस। एक डाउन और फिर वो डाउन, इस बार रॉसी ने एक अच्छा पिक डेफिनेटली निकाला है, लेकिन बात याद है कि ना बाकी प्लेयर्स कैसे अपनी रहना चाहिए, क्योंकि वहीं पर सारा करिश्मा होने वाला है रॉसी के द्वारा। डबल सैजल कर गया, खुद ब्लाइंडेड आउट थे लेकिन पिक निकाला, बट रेलिक साथ के साथ हेलरेंजर को पिक करते हैं और रॉसी को देखिए वो और आगे चले गए। दिस मैन डज नॉट हैव एन एस बटन फॉर हिमसेल्फ, लेकिन पैराडॉक्स उनको पिक करते हुए नजर जरूर आएंगे। स्किल्स एक अलग डायरेक्शन में, अभी भी देख रहे हैं, एक पिक अच्छा खासा निकालेंगे यहां पर जाकर के प्लान करने का, उनके पास बारी आ जाती है 1v2 का सिचुएशन उनके पास वापस से, और उनको खेलना है स्पेक्टर के अराउंड। वो खुद थोड़ा पीछे के लिए पीछे के अभी धकेले गए थे, लेकिन उनको अलग डायरेक्शन से पड़ेगा। एक पिक को पिक कर चुके हैं, वेपन चेंज किया है, is that an operator? No, he's just switching out to a different gun right now. He needs to actually take a different gun, but then he doesn't care. Easy. And again, this is just going to be Rossi creating distractions. Lake and showstopper. बाते हुए, जरा fight 5v4 का बन चुका है. In fact, अब 5v3 का ये सिचुएशन बन चुका है, जिसमें स्पाइक जो है ए लॉबी के बाहर पड़ी हुई है, तो स्पाइक को अंदर ला करके प्लांट भी आराम से किया जा सकता है, बट अगर वो फ्रैग विंस पर इस समय प्लांट करते हैं नजर जुड़ाएंगे यू ऑल के अराउंड। एक और पेक यहां पर निकलेगा जरूर, लेकिन अपना एक प्लेयर का I'm pretty sure diffuse करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, और इसके बीच में एक आखिरी प्लेयर बचा हुआ
it might just not work out. Master, he can just try a few things here and there, but then again, notification very well done. Pick kiya jayega. Ek aur round. Jab global esports ko choke karne ki koshish karte hai, rap karne ki koshish karti hai. It's all failing and look at that. Over aggressively, jab proactively shower check karne ki koshish ki jati hai, wahan pe humko ek halka sa collision dekhne ko milta hai. Lekin ye back and forth trade jo hai, global esports ke favor mein nahi ja raha hai. 8-3 ka score line chal raha hai. Kahin na kahin aisa lag raha tha ki 8-4 ho sakta hai, but Kappa अभी भी अवेलेबल है ट्रू रिपर्स के पास एंड मास्टर टेकिंग डाउन कापा विद दैट हंटर्स फ्यूरी. एक और पिक यहां पे देखने को मिल सकता था पहले, काफी ज्यादा दिक्कतों वाली बात, लेकिन उसी के बीच में एक पिक स्किल्स यहां पर निकालते नजर आएंगे. कॉस्मिक डिवाइड यहां पर इस्तेमाल करी जा चुकी है. मास्टर लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, इस चीज को 4-8 पर वो स्वॉप करना अगर चाहे तो उन्हीं के ऊपर सारा भार आता है, लेकिन उस भार को यहाँ पर टेक अपने जो पिक्स हैं, अपने फ्रैग्स जो हैं, वो काफी अच्छे से निकाले. लेकिन फ्रैग्स की बात करें, राउंड शुरू हुआ और पैराडॉक्स इंस्टेंटली दो काफी तेज पिक्स निकालते हुए हमको नजर आते हैं. हुक्का की पोजिशन काफी अच्छे से इन्होंने क्लियर आउट तो करी है, बट कापा और लाइटिंग पास बिल्कुल तैयार. लेकिन बी साइड के पीछे आप देखिए यहाँ पर स्किल्स एक पेयर को पिक करेंगे, वो बस लुकिंग सेक्शन को ऊपर किया. जरूर उनको समझना पड़ेगा कि यू हॉल के अंदर ही प्लेयर ऐसे मौके में होना चाहिए. एक फेक आउट करने की कोशिश, अंदर आए फेक निकालने की कोशिश थी, लेकिन दोनों डिटेक्ट यहाँ पर किए गए. एक पिक निकाला जो जाएगा, एक और पिक निकालने की कोशिश थी, बट स्किल जस्ट यू नो बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर वन आउट देयर. और स्किल्स ने उसी बुलडॉग का इस्तेमाल करके एक और पिक निकाला और तीसरा पिक वो बुलडॉग स्किल्स को वरदान के फॉर्म में मिली है और वो इस्तेमाल कर करके ही रखना चाहते हैं. हालांकि बोन्स को इस समय कुछ भी करना पड़ेगा ताकि ये डिफ्यूज ना हो. दो प्लेयर्स, इट्स टू अगेंस्ट वन, ही विल हैव टू, बट वेल ही कैन नॉट, कहीं और देख रहे थे. एंड स्किल्स हासिल करके आगे बढ़ेंगे फ्रैक्चर की तरफ. एंड आई थिंक थोड़ा सा वहां पे समझ कापा जस्ट टेकिंग डाउन वन मोर हेल रेंजर. उनकी तरफ से भी पिक निकलेगा जरूर. पता चल चुका है कि जो प्लेयर्स हैं वो बी लॉन्ग से आएंगे और कापा वेल यू जस्ट सेंस दैट. अब स्किल्स की बात करें, होली स्किल्स इज गुड. लाइटनिंग पास को लेकर आगे नहीं पहुंचे हैं, अब उनको मूव करना पड़ेगा. ग्रेविटी वेल थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन ये इतना समय देता है इनको बोन्स को कि ये यू हॉल्स के अराउंड आ जाए. और एक पिक डेफिनेटली यहां से निकाल सकते थे, बट कापा जस्ट विद अ बट. खैर एक और राउंड अगर यहां पर निकलता है जॉनी जी, 13-4 Yeah. आज का दिन एक्चुअली वन साइड डोमिनेशन का दिन भी रहा. हमने देखा एनिग्मा की तरफ से जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने T69 के अगेंस्ट किया था, बट खैर बोन्स डेफिनेटली वांट्स टू प्ले, बट देखते हैं कि क्या इस गेम के रूल्स उनके अकॉर्डिंग बन पाते हैं. रॉसी आगे गए हैं, एक अच्छा पिक और निकालते हुए रॉसी यहां पर शो स्टॉपर के साथ एंड उनके बिल्कुल सामने प्लेयर रहेंगे. लेकिन बोन्स वांट्स टू प्ले एंड ही इज प्लेइंग दिस गेम बाय हिज रूल्स एज ही टेक्स डाउन टू प्लेयर्स in a very brilliant manner. Showers के अंदर अभी भी movement इनको करना पड़ेगा. बिल्कुल सामने इनके player रहेंगे, थोड़ा late हो गए. Rossi तीसरा player pick करते नजर जरूर आएंगे. Skills को उनका pick मिलता हुआ. Rossi can end the game right now with a brilliant top या beat top पर player जरूर आ चुके हैं. Rossi just right inside को इनको देखना पड़ेगा. And आप देखिए right click Hellranger भी सामने आ चुके थे. Definitely काफी important backup यहाँ पर आता हुआ नजर आया. जो मॉली है वो जरूर किया गया था, लेकिन अब एक फ्लैश करके आगे मूव करने की कोशिश काफी अच्छे तरीके से रीड यहाँ पर किया गया. लाइटिंग पास भी एक पिक निकालेंगे अब जनरेटर के अराउंड, यहाँ पर थोड़ी बहुत फाइट्स हो सकती हैं. लाइटिंग पास एक और पिक निकालते हुए, स्पाइक जरूर गिर चुका है, लेकिन उसको उठा करके लेकर के आना इंपॉर्टेंट रहेगा. लेकिन इन सबके बीच में लाइटिंग पास विद अ ब्रिलियंट 3 के ही मटेनक है. अगर लाइटिंग पास हल्का सा भी चूके जरूर आ रहे हैं. Flashes किए जा रहे हैं, but this is where it goes down as a 4K comes for Lightning. अब B side पर जाना चाहता है. In fact, एक cipher भी हमें नजर आ रहे हैं जो दूसरी तरफ है, but Lightning fast एक pick निकालेंगे सीधा अंदर entry side के. Viper spit साथ के साथ commit किया गया और उसके बाद plant भी easy हो जाएगा. एक बहुत अच्छे pace में Global Esports के players इस round को लेकर के जा रहे हैं. Lightning fast एक और pick यहाँ पर निकाल चुके हैं. बीच में zipline पर आप देख सकते हैं defenders जाते हुए नजर जरूर. सारे के सारे जीवित हैं. Viper spit के round घुसना एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाती है. Lightning fast एक और pick निकाल चुके हैं. Paradox skills को जरूर pick करेंगे, but then बात ये है Paradox एक और pick, लेकिन देर बहुत हो चुकी है. Yeah, time तो यहाँ से निकल चुका है, but काफी सारे exit pick बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पहला पिक इस बार वन टैप गॉड के हिस्से में जाता है. नंबर्स अच्छे बना लिए. कापा को तो खैर रस्सी भी नहीं यहां पर क्रॉस करने दी गई उनको. उसी के बीच मिनटली उनके सामने एक चुनौती रहेगी जिसने एलरेंजर को पिक किया जरूर, लेकिन उनको पिक किया जाएगा इंस्टेंट. यहां पर ट्रेड ऑफ, आखिरी प्लेयर बचे हुए
स्पाइक जरूर उठा लिया, 17 गोलियां थी उनके पास बट काम नहीं आएंगी बिकॉज पैराडॉक्स वो तो बिल पकड़ के जरूर बैठे हुए हैं। कापा काफी पीछे आ चुके थे लेकिन वन टैप पॉड वेल वो फ्लैश आउट थे और उसी का फायदा यहां पर उठाया गया। पूरी फाइट देखते ही देखते फ्लॉलेस राउंड राइट नाउ, उन्हीं के ऊपर प्लेयर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डेज करने की कोशिश होती है लेकिन वो एक प्लेयर को पिक करेंगे, फ्लॉलेस को डिनाई जरूर किया लेकिन उसके बाद उनको साथ के साथ स्किल्स इतना बाकी मैच में करते नजर आते हैं। शायद ये चेंज जो करवाया गया ये इन्हीं के द्वारा करवाया गया था एल्डरिंग के द्वारा, लेकिन खैर बोन्स टूल डिफोर्स का इस्तेमाल करते हैं एंड फोर्सफुली दो प्लेयर्स को बाहर आता है, वहां से प्लेयर्स डेफिनेटली इनको देखने के लिए आ सकते हैं जो टावर का एरिया होता है। इस सबके बीच में एक और पिक निकालने की कोशिश डेफिनेटली हो सकती है, स्किल पिक करेंगे बट मतलब ये जो सारे प्लेयर्स रहेंगे ये ए मेन ए रोप के अराउंड से घूम घाम करके जो डोर का एरिया रहता है उसके अराउंड देखते हैं किस तरीके से स्प्लिट ये लोग कर पाएंगे या फिर नहीं। नो दे आर नॉट स्प्लिटिंग राइट नाउ, इज कमिंग एक प्लेयर को पिक जरूर किया जाएगा लेकिन बोन्स विद अ 4K Just take talk about it. Attacker side से Viper spit है और रॉसी के पास showstopper है, fire in the hole, definitely taking one down. साथ के साथ pain shield का इस्तेमाल किया, खुद की HP थोड़ी सी कम हुई जरूर है, damage अच्छा खासा पड़ गया था, 49 HP उनके पास लेकिन right side देखना पड़ेगा otherwise दिक्कत हो जाएंगे और वहीं पर one time god उनको pick करते हुए नजर आएंगे। Skills ने plant किया, Viper spit साथ के साथ commit किया गया। Now this is a very very unique Viper spit because इसके जो प्लांट है वो इसके कोने में हो रखा है, ऐसे में कोई ना कोई तो अंदर घुसना चाहेगा एंड वेल इसकी कोशिश डेफिनेटली रहने वाली है। इस 3v4 सिचुएशन में एक प्लेयर को पिक डेफिनेटली किया जाएगा, साथ साथ स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से पॉप अप कर रहे हैं यहां पर, किल्स और नंबर्स और स्किल्स एक और प्लेयर पैराडॉक्स पर क्या इनको बचने दिया जाएगा, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स हंट खून की प्यास यार निकाल सके लेकिन उस बीच में देखा नहीं है किसने, आप जा करके रेलिक देखेंगे एंड कापा को पिक करते हुए नजर जरूर आएंगे। बहुत सारे नंबर्स का डिसएडवांटेज एकदम से हुआ था ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा बनने वाली हैं। रॉसी उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम समय के लिए और इसी के बीच में पैराडॉक्स उनको पिक करते नजर आएंगे। बोन्स का ये इनिशियल पुश रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रॉसी ऑन द अदर साइड पैराडॉक्स को प्लेयर्स की रह सकती है, आप देखिए अल्टीमेट्स कितने सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। कॉस्मिक डिवाइड तो खैर इस्तेमाल किया गया बट रॉसी उससे पहले एक प्लेयर को पिक करते नजर जरूर आएंगे। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का कॉस्मिक डिवाइड का एंगल काफी ज्यादा अच्छा है, काफी इनसेन, दूसरी तरफ जाकर के एक पिक निकालने की कोशिश उसके बट वेल ही इज नॉट स्पॉटिंग एनीवन राइट नाउ, सामने प्लेयर थे एंड एकदम से उस कॉस्मिक डिवाइड का यूटिलाइजेशन उन्हीं के अगेंस्ट हो गया। स्पाइक प्लांट करी जा चुकी है, ट्रूडीपस की तरफ से आप देखिए उनके ब्रीच का अल्टीमेट यहां पर इस्तेमाल किया गया लेकिन लाइटनिंग पास एक पिक निकालेंगे, इंस्टेंट रेड हो जाएंगे बट स्किल्स एटलीस्ट एक स्वॉप इनको मिले। ए साइड के बाहर जाने की कोशिश है, आप देखिए मल्टीपल प्लेयर्स है, बूम बॉट से नहीं डर रहे, किसी चीज से नहीं डर रहे, हालांकि टिम्बर के पास उनका जो अल्टीमेट ट्रूडीपस वो देखने को मिलेगा जरूर। पैराडॉक्स व्हाट यस एग्जैक्टली आई मीन देखा थोड़ी देर के लिए रुके बट वो पिक कर लिया स्पाइक समय स्किल्स के पास और स्किल्स जा करके प्लांट करना चाहेंगे। ये जो कोने वाले प्लांट होते हैं इसके अराउंड यू नो काफी अच्छे गेम प्ले मोस्टली बन जाते हैं आपके पास जो ए मेन रहता है वहां का भी ओपनिंग रहती है बट लाइटनिंग पास डेफिनेटली पॉप अप करते हुए लाइटनिंग पास विद द टू रिपर्स का चलिए देखते हैं क्या हालात इनकी तरफ से रहते हैं अटैक पे बट जैसे ही ए ऑन लाइटनिंग पास डायरेक्शन पर रहना जरूर चाहेगा एंड द स्पाइक डेफिनेटली इज नॉट विद देम तो इनको आगे तो जाना ही और उसी के बीच में ये लोग फंस फुसा के रह जाएंगे। रॉसी किसी मुस्कुराहट थी स्किल के चेहरे पे, एक दो तीन चार लाइक नहीं चलिए गन बदलते हैं पांच ऊपर से उन्होंने एक क्विक एग्जीक्यूट के लिए जाने की कोशिश करी, बी साइड पे सब भागते हुए अंदर एंट्री ले ली उन्होंने और उसी चीज का फायदा वहां पे स्किल्स ने उठाया, सब लोग सामने आके खड़े हो गए थे वन ऑफ द अदर एक के बाद एक पिक्स निकाले बट यहाँ पे है अच्छी पोजीशन इन्होंने मेंटेन करी है। रेलिक बॉक्स के ऊपर मौजूद हेल रेंजर को पिक ऑफ करेंगे बट बैक लाइन से स्किल्स क्लोज इन कर रहे हैं, पहला पिक दूसरा भी निकालेंगे और सिक्योर आखिरी मैप है एंड ओ दे आर एंडिंग इट डोंट रेलिक ऑन द अदर साइड दो लाइटनिंग पास और स्किल्स को पिक किया जाएगा बट आप देखिए साथ के साथ ट्रेड जा रहे हैं, इट्स अ 2v2 सिचुएशन जिस बैठे उनके लेफ्ट हैंड साइड पर समय जा सकते हैं मास्टर अभी के लिए बनाया जा सकता है, हालांकि कापा की जो लोकेशन है प्रॉपर्ली समझ में आ चुकी है डेज करने की उनको पोजीशन थी बट वेल वो एक प्लेयर को पिक करेंगे जरूर बट दैट वाज इकोनॉमिकल एडवांटेज था तो एक बार फिर से वो पूरे बाय के साथ निकलेंगे। और दूसरी तरफ अगर यहां पे बात करें ट्रू रिपर्स की तो टैप वन टैप गॉड पे हमको नजर आती है एक्सपेक्टर और बोन्स नजर आते हैं उस बुलडॉग के साथ पैराडॉक्स रेलिक लॉसी को पेंशन के बाद धीरे धीरे फिर से आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर मैप पे नजर डाले तो देखिए किस तरह से यहां पे क्लीन अप के लिए आगे बढ़ रहे हैं and this might be it 1v5 they might just send it lekin koshish abhi mask ke dwara kari ja rahi hai lekin piche nahi dekha।